हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार आकीस। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की भाजपा नेता और सांसद संतोष अहलावत जी। संतोष जी, देश की बात में आपका स्वागत है। संतोष जी, आप राजस्थान में काफ़ी काम किया है, भाजपा से पहली बार सांसद चुनी गई हैं। आपके सामने एक सांसद होने के नाते, साथ साथ एक महिला होने के नाते क्या चुनौतियाँ लगती हैं? देखिए, मेरा जिला वैसे तो बहुत जागरूक जिला है और आपको कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक मेरे झुंझुनू ज़िले के, सबसे ज़्यादा शहीद अगर हुए हैं तो मेरे झुंझुनू ज़िले से हुए। मेरा ज़िला वैसे तो प्रगतिशील है, जागरूक ज़िला है, वहाँ महिला शिक्षा में भी काफ़ी पहले से ज़िला बहुत अग्रणी है और पूरे मैं कहूँगी हिंदुस्तान में रेयर टू रेयर कोई ऐसा जगह ऐसी जगह होगी जहाँ झुंझुनू का कोई अध्यापक, झुंझुनू का कई अधिकारी, झुंझुनू की कोई ऐतिहासिक भूमि है, ऐसे ऐतिहासिक और वीरों की भूमि कही जाती है, वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और भामाशाहों की भूमि है और मैं कहना चाहूंगी कि बड़े उद्योगपतियों की भूमि और आप जैसे शेरनियों की भूमि है, वो तो आपका बड़प्पन है, पर जैसे बिरला मेरे जिले से है और पीरामल मेरे जिले से है, पौदार मेरे जिले से है, तो झुंझुनू वाला मेरे जिले से है। पूरे हिंदुस्तान में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखोगे, बड़े उद्योगपति और व्यवसायी देखोगे तो वो झुंझुनू की देन है, ये झुंझुनू की धरा को। लेकिन झुंझुनू का उतना विकास नहीं हुआ, इतना होने के बावजूद सुश्रा मोला रहे और आपने कई बार आप एमएलए की चुनाव लड़ी और आप पहली बार एमपी चुनी गई, एमएलए भी जीती आप, तो वो जो विकास होना चाहिए जिस अनुपातिक तौर पर, उस अनुपातिक तौर पर बृहद पैमाने पर विकास नहीं हुआ। ये आपका कहना बिल्कुल सच है। लगभग 50 वर्ष तक श्रीराम जी ओला जीत कर आते रहे। उनका वैसे तो नाम बहुत बड़ा था, उनका कद भी बहुत बड़ा था, काम पर जिले में बड़े काम दिखाई नहीं दिए। देखिए, इतना महत्वपूर्ण जिला होते हुए भी वहाँ पे नेशनल हाईवे अभी तक नहीं था, सैनिकों का जिला होते हुए भी सैनिक स्कूल वहाँ नहीं था, मेरे ज़िले में सैनिक अस्पताल नहीं था, मेरे ज़िले में राजकीय कॉलेज नहीं था, आपको अचंभा होगा जी, जी। और पिछले 2007 में माने वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने एक राजकीय कॉलेज शुरू किया। आज भी इतने बड़े ज़िले में जहां शिक्षा का इतना उन्नत स्तर है वहां पे मात्र एक राजकीय कॉलेज और कोई भी व्यवसायिक कॉलेज, कोई भी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र वहाँ। तो मतलब लगता है कि आपके सामने शिक्षा को लेकर के, व्यवसाय को लेकर चुनौतियाँ हैं झुंझुनू में एक सांसद होने के नाते, साथ साथ एक महिला सांसद होने के नाते आप देश में, आप ग्राम प्रधान से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा सदस्य चुनी गई, आपके सामने में चुनौतियाँ जो है एक महिला सांसद होने के नाते मोदी सरकार में आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी जो बजट पारित हुआ है उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि रेल बजट में भी महिलाओं को नौकरी देने का प्रावधान रखा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात उसमें कही गई है और मुख्य हमारे बजट में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, जी। मैं अभिभूत हूँ इस बात से। माने प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए बजट में एक विशेष लाइन को कोट किया है। कोट तो किया है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन 100 करोड़ बेटी बचाओ के लिए, पूरे देश के लिए, इतने बड़े देश के लिए? देखिए, एक मनी तो मैं मानती हूँ एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, पर मनी का प्रावधान हो जाएगा, एक लाइन तो पड़ी है, एक शुरुआत तो हुई है, बेशक वो छोटी है मगर पौधा जब अपन लगाते हैं, बीज जब अपन बोते हैं तो एक नन्ना सा अंकुर पैदा होता है और देन फिर वट वृक्ष बनता है, तो एक लाइन पड़ी है जी। नहीं, एक लाइन की बात है, पिछली सरकारों ने भी लाइन खड़ी की, महिला बाल विकास मंत्रालय को अलग से दर्जा दिया, कैबिनेट का बनाया, स्वतंत्र प्रभार बनाया जी, पहले वो एचआरडी का पार्ट था, तो पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया। मैं कहूँगी पिछली सरकारों ने सिर्फ लुभावनी बातें करी, कागजों में काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कहीं आप जाकर आपने देखा होगा तो मैं आपको कहना चाहूँगी पिछले 10 वर्ष में महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हुए, जितनी असुरक्षा की भावना उनके साथ हुई, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी, तब माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ बैठी थी, तब माननीय शीला दीक्षित जी यहाँ बैठी थी, उस समय दिल्ली की वो रात, दिल्ली की सड़क की वो घटना 2012 की घटना कोई भी नहीं भूला होगा और कोई भी कभी भूलेगा भी नहीं।
वो बात जब इस तरह से हुई और आज उसमें क्या हुआ? नहीं, कई काफ़ी आयोग बने, कमेटी बनी, नए कानून बने, कई कानून संशोधन की बातें हुई और उसको अब आगे बढ़ाने की बात है। तो वही मैंने कहा कि फंड भी कमी है, इच्छा शक्ति की बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि वृक्ष बनेगा, आगे चीज़ें बढ़ेंगी, एक इच्छा शक्ति दिखी है सरकार की, लेकिन उसको जो क्रियान्वयन करने का जो तरीका है, क्या आपको लगना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग सक्षम है उस काम को करने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार भी अपनी भूमिका निभाएगी, सरकार भी पूरी तरह से महिला आयोग पे छोड़ने वाली नहीं है। महिला शक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, काम करेगी, और हम जितने भी सांसद बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र में उस दिशा में हम काम करेंगे। मेरा मानना तो यह है कि कोई महिला अगर आत्मनिर्भर बन जाती, बेशक वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे अपने गाँव ढाणी से स्टार्ट करे और वो थोड़ा सा अगर जागरूक हो जाती है, तो देखिए पूरी तरह से सरकार पे हम अगर निर्भर हो जाएंगे तो सरकार पूरा कितना कर पाएगी? कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा, कुछ तो गांव के आदमी को भी करना पड़ेगा, कुछ तो गांव की महिला को भी करना पड़ेगा। तो जागृति की ज़रूरत है, और फिर मीडिया है तो आपकी बहुत सशक्त और महत्वपूर्ण, मतलब मीडिया के महत्व को आप समझती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महत्व है मीडिया का, मीडिया का तो बहुत बड़ा महत्व। मैं तो कहूंगी कि प्रजातंत्र में मीडिया के बिना कुछ जिंदा रह ही नहीं। लेकिन आप पार्टी के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, वो कई कंफ्यूजन है, वो कहते हैं मीडिया तो सब बिक गया है, मीडिया का कोई रोल नहीं है, मीडिया प्लांट है, लाइक दैट। ये तो उनके दिमाग की छोटी सोच का परिणाम है, वरना अब सब कोई बिकने वाला अगर कोई बोलेगा तो वो अछूते कहाँ रहेंगे जब वो औरों पर। और मेरा कहना देखिए, एक उंगली मैंने अगर किसी की तरफ की तो देखिए ना, चार उंगली मेरी तरफ है, स्वयं की तरफ। तो हम किसी की तरफ एक उंगली अगर करेंगे तो इससे पहले खुद को टटोल कर देखना। आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक उंगली यदि किसी के पर करते हैं, तीन उंगली हमारे पास आती है। तो आपसे हम बात करेंगे महिला को लेकर के, एनजीओ की भूमिका को लेकर के, और आगे जो राजनीति चल रही है देश में, राज्य में, हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।